पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार की हत्या के मामले में पुलिस इनेलो प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं कर पाई और नफे सिंह राठी को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। शायद इसी खुंदक में अब पुलिस ने नफे सिंह राठी का आर्म लाइसेंस निलंबित करवा दिया है। जिला उपायुक्त ने नफे सिंह राठी, उनके बेटे जितेंद्र राठी और अन्य दलाल उर्फ सोनू का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है और 15 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा है। लेकिन इस नोटिस में जिला उपायुक्त से बड़ी गलती भी हो गई है। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र सिंह राठी को उस केस में अभियुक्त दर्शा दिया जिस केस से जितेंद्र का कोई लेना देना ही नहीं है। उनका कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें टारगेट किया जा रहा है। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी को भी एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब जितेंद्र राठी को भी जमानत मिल चुकी है। मेरे बेटे जितेंद्र को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उठा करके जेल भेज दिया, जबकि ना तो उसका FIR में नाम है और ना ही जिस मुकदमे में उनको अंदर भेजा है, ना ही उस मुकदमे में 120 भी लगी हुई है। उस FIR में 120 भी इन्होंने बाद में लगाई है जब वो जेल जा लिया, उससे पहले 120 भी नहीं थी। तो गैर कानूनी तरीके से उठा करके ले गए, इसके लिए भी हम माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाएंगे और इस किस्म के गैर कानूनी तरीके से जो इन्होंने काम किया है पुलिस प्रशासन ने, उसके खिलाफ भी दावा डालेंगे। अभी आपको एक नोटिस भी मिला है कि यार जमानत दो तारीख को जितेंद्र की जमानत हुई और जमानत होकर के जैसे ही शाम को घर पे आए तो फिर एक नोटिस घर पे मिला। वो घर में बहादुर था उस टाइम पे, उसको दे करके चले गए, रिसीव करा कर ले गए, जिसमें जितेंद्र का, मेरा और सोनू का नाम है। और क्या लिखा आप भी सुन के अचंभा मानोगे कि किस तरह से बौखलाहट में सरकारी अधिकारी भी किस तरह से काम कर रहे हैं ऊपर के दबाव से। ये नोटिस है, ये 2 तारीख को जैसे हम आए तो ये नोटिस घर पे हमारे को मिले। मैं पढ़ के भी सुना दी, 1 मिनट का है। पुलिस अधीक्षक जज्जर ने अवगत कराया है कि थाना प्रबंधक शहर बहादुरगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 30SA-18-23 अनुसार सूचित किया है कि शस्त्र लाइसेंस नंबर मेरा लाइसेंस का नंबर दे दिया जो 2003 में बनाया था। नफे सिंह पुत्र मुराव सिंह वासी 8 बिशो जटवाड़ा बोला बहादुरगढ़, वह लाइसेंस नंबर 100 ये 2020 में बनाया था। जितेंद्र का लाइसेंस जितेंद्र सिंह पुत्र नफे सिंह वासी 8 बिशो जटवाड़ा मोला बहादुरगढ़, वह लाइसेंस नंबर 100 जो 2008 में बनाया था लाइसेंस धारक अजय उर्फ सोनू पुत्र रामकिशन वासी मातन जिला जज्जर के खिलाफ अभियोग संख्या 18 दिनांक 11/1/23 धारा 306, 384, 34 के तहत शहर थाना बहादुरगढ़ में अंकित है। इसमें जितेंद्र का नाम ही नहीं है 306 में, कि आपके पास 70 लाइसेंस होना जनहित में उचित नहीं है, इसलिए आपको 70 लाइसेंस अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत आपको कारण बताओ नोटिस देते हुए आपसे 70 लाइसेंस नंबर इतना इतना तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक निलंबित करता हूँ तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त 70 लाइसेंस पर दर्ज शस्त्रों को नजदीकी थाना या वैध गन हाउस में जमा करवा कर पावती इस कार्यालय में जमा करवाएं, सुनिश्चित करें। इस संबंध में आप अपना जवाब स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके शस्त्र लाइसेंस के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों पर पूर्व मंत्री के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या मामले में FIR दर्ज की गई थी। नफे सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई लेकिन नफे सिंह अग्रिम जमानत लेकर ही पुलिस के सामने आया। इसी बीच उनके बेटे जितेंद्र को भी पुलिस ने 420 के उस मामले में गिरफ्तार किया जिसमें जितेंद्र नहीं उनकी मां शीला राठी आरोपी थी। फिलहाल नफे सिंह पूरे मामले में JJP और BJP की साजिश बता रहे हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार, धनखड़, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।